लिस्टिंग के बाद होम फर्स्ट फाइनेंस ने पहली बार अपनी तिमाही नतीजे पेश किए और दिसंबर तिमाही में कंपनी की ब्याज से आय 14% बढ़कर आई। हालांकि मुनाफा इस दौरान 47% गिरा है, जबकि तिमाही दर तिमाही नेट इंटरेस्ट इनकम जो मार्जिन है वो 4.5% से बढ़कर 5% पहुंचे हैं। नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के सीईओ मनोज विश्वनाथन साहब। मनोज जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, धन्यवाद वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि इस क्वार्टर में जहां एक और आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम तो 14% बढ़कर आई है, लेकिन मुनाफा कम रहा है 47%, क्या वजह रही है इसके पीछे? सर एक्चुअली देखोगे तो हमारा एईवन तो बढ़ता जा रहा है, 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है एईवन, स्प्रेड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और यू नो क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल पे है, तो सारे मेट्रिक्स ऑलमोस्ट ऑल द मेट्रिक्स आर ऑन यू नो ऑन अ गुड पाथ। एज फार एज द प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इज कंसर्न्ड, एज यू मेट अप्रिशिएट, ये हम लोग डायरेक्ट असाइनमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर यू नो टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी एंड यू नो फॉर बेटर यूसेज ऑफ कैपिटल। तो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन डायरेक्ट असाइनमेंट उसका जो इनकम है वो अपफ्रंट हो जाता है। तो लास्ट ईयर हमने क्वार्टर थ्री में डायरेक्ट असाइनमेंट ट्रांजेक्शन किया था, इस बार हमने क्वार्टर थ्री में नहीं किया बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी था, तो हमने सोचा कि इसको बाद में कर सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट असाइनमेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो वो वाला जो इनकम है दैट इज द पोर्शन दैट इज लेसर एंड विच इज बाय ईयर ऑन ईयर देखोगे तो दिस क्वार्टर इनकम इज लेसर देन लास्ट ईयर। ओके, लेकिन आप कह रहे हैं कि एयूएम ग्रोथ और लोन ग्रोथ दोनों मजबूत रही है, क्या यही ट्रेंड आपको आगे आने वाले क्वार्टर में और पूरे साल के लिए देखने को मिलेगा सर? हाँ, आप देखोगे तो फर्स्ट इस साल में जो फर्स्ट जो टू क्वार्टर्स थे वो तो कोविड में चला गया था एंड बिजनेस रिटर्न बैक इन क्वार्टर थ्री, एंड क्वार्टर थ्री में भी आप देखोगे हमारा जो रिजल्ट्स, तो इफ यू सी अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगातार देयर इज इंप्रूवमेंट इन एवरी मंथ ऑन मंथ एंड दिसंबर देखोगे तो इट इज हायर देन लास्ट दिसंबर एंड इफ यू सी द ट्रेंड्स इन दिस क्वार्टर ऑल्सो जनवरी हैज बीन हायर देन लास्ट जनवरी। सो वी थिंक दैट नाउ वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ कोविड एंड जो ग्रोथ पाथ है वो तो आ गया है एंड वी शुड बी ऑन दिस ट्रेंड नाउ फॉर यू नो सेवरल क्वार्टर्स। ओके, एक और चीज ये कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके थोड़े इंप्रूव होकर आए, स्टेबल रहेंगे या यहां पर और इंप्रूवमेंट बढ़त की गुंजाइश है सर? सर इंटरेस्ट मार्जिन इसलिए बढ़े क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस हुआ है, लेकिन मार्केट में यू नो बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंस एंड जो हमारे यूएसपीज है उसके वजह से वी आर एबल टू रिटेन अवर लेंडिंग रेट्स, तो इसलिए स्प्रेड्स थोड़े मतलब इंक्रीज हुए हैं। What we think is sustainable is 4.5 to 5% का spread है, जो sustainable है हम लोग लगातार last if you see 4 years 3-4 years से हम लोग maintain करते आ रहे हैं। सर एक और जो मैं आउटलुक आपसे लेना चाहता हूँ लोन ग्रोथ के मामले में, क्या वाकई में बड़े पिकअप होने के संकेत दिख रहे हैं? कहाँ से डिमांड आ रही है इस वक्त, ज्यादा बिजनेस कहाँ से मिल रहा है आपको? डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डिमांड आता है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स टू लार्जर सिटीज। सो बड़े बड़े जो सिटीज हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, पुणे, बॉम्बे, ऑल ऑफ दीज सिटीज पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स एंड वहां से डिमांड आता है एंड वी आर सीइंग दैट पोस्ट कोविड नाउ सिंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव रिटर्न बैक टू नॉर्मल, ये दिस ट्रेंड इज रियली ऑन अ अपस्विंग। So demand is really very strong and you know we are month on month हमारा जो disbursal से वो increase होते जा रहा है। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए strong outlook home first finance की तरफ से आता हूँ। मनोज विश्वनाथन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए अपने नतीजों पर और आगे के प्लान्स के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते आगे।